अमेरिका में इंजीनियर की नौकरी छोड़ राजनीति में कूदे थे अजित सिंह, जाने क्यों कहते थे इन्हें किसानों का मसीहा। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। पूर्व कैबिनेट मंत्री अजित सिंह की शनिवार यानी आज जयंती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिरमौर रहे अजित सिंह ने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद किया। पिता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए अजित सिंह ने किसानों के हितों में कार्य किए हैं। चौधरी अजित सिंह का जन्म तत्कालीन मेरठ के बदौला गाँव में 12 फरवरी 1939 को हुआ था। यह गांव अब बुलंदशहर जिले में है। अजित सिंह पिता चौधरी चरण सिंह के बीमार होने पर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य बनकर सियासी सफर शुरू किया। इसके बाद अजित सिंह ने सियासत से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 बार बागपत से सांसद रहे। हालांकि उन्हें 1998 के अलावा 2014 में बागपत सदस्य क्षेत्र और 2019 में मुजफ्फरनगर सीट से हार का सामना करना पड़ा। रालोद नेता ओम वीर ढाका बताते हैं कि उच्च शिक्षित होने के बाद भी अजित सिंह दिल से किसान ही रहे और किसानों की आवाज बने रहे। नरसिम्हा राव सरकार में खाद्य रसद मंत्री रहते हुए अजित सिंह शुगर मिलों की दूरी को घटाकर 25 से 15 किलोमीटर कर दिया। साथ ही देश में 45 शुगर मिल लगवाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए पेट्रोल में शीरों से बनने वाली इथेनॉल का 5% मिश्रण कराने की मंजूरी दिलवाई। हरित प्रदेश बनवाने को अजित सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन का बिगुल किया था। उनका अलग राज्य का सपना अधूरा ही रह गया। 3 कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में जब 29 फरवरी 2021 को बाकी हुए रिकेश टिकैत के आंसू निकले थे, तब अजित सिंह ने कमजोर हो रहे आंदोलन में जान डाल दी थी। 6 मई 2021 को अजित सिंह का निधन हो गया था। अजित सिंह ने गठबंधन की सियासत को नए आयाम दिए। 1999 में चौधरी अजित सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। 2002 में भाजपा के गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के बाद अजित सिंह ने 2007 तक उन्हें समर्थन दिया। 2009 में चुनाव में उन्होंने एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़कर सांसद बने। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। खैर, जो भी है, जैसे भी है, आज भी वो किसानों के लिए मसीहा ही है। जुड़े रहिए बाकी खबरों के लिए। धन्यवाद।